आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चलियावाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी आज पीएम मोदी ने बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी ने की जनता दरबार, लगाया फरियादियों की समस्याएं सुनी। पाठक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2022 में मलेरिया को यूपी से खत्म करेंगे। कुशीनगर की नारायणी नदी में 10 लोग डूबे, नदी में डूबे 3 लोगों की मौत, मौके पर मौजूद लोगों ने 7 को बचाया। नोएडा गाजियाबाद के स्कूलों में फैल रहा कोरोना, पिछले 3 दिन में 32 बच्चे और शिक्षक हुए संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने आज लखनऊ में अपने विभाग की उपलब्धियां और 100 दिनों के एजेंडे के बारे में जानकारी दी है। वहीं भाजपा कार्यालय में बृजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2022 तक मलेरिया को यूपी से खत्म कर देंगे। इसके अलावा 2949 अस्पताल इसके लिए आबद्ध किए गए हैं, जो सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों में बेहतर काम कर रहे हैं उनको आबद्धता दी गई है, जहां पर आयुष्मान कार्ड के तहत उनको निःशुल्क इलाज मिलेगा। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि कोविड महामारी एक हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। कोविड महामारी के कारण सभी लोग डिस्टर्ब थे, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में बेहतर प्रबंधन हुआ है। इस दिशा में जो काम हुए हैं वो विस्तृत रूप से आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। सभी 75 जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की स्थापना की गई। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को लगातार हमने टच में बनाए रखा, उनसे हमने फोन से संपर्क किया। इसके अलावा जो हमने निगरानी लगातार की, निगरानी समितियों के माध्यम से उनको हमने घर घर दवाइयां पहुंचाई। 75 के 75 जनपदों में आरटीपीसीआर की जांच हो VSL2 प्रयोगशालाएं की स्थापना की गई। वहीं कानपुर का नाम प्रदूषित शहरों की सूची में फिर से शीर्ष पर पहुंच गया है और इस सीजन में वायु प्रदूषण का रिकॉर्ड टूट गया है। वातावरण में हानिकारक गैसों, अति सूक्ष्म कणों की मात्रा कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। वहीं शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI इतना खराब हुआ है कि सीजन नया रिकॉर्ड बन गया है, जिसको देखते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि शहर की हवा में PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नैनो पार्टिकल की मात्रा में इजाफा हो रहा है। भारत के जो टॉप 10 के 10 जो जिले हैं उसमें जो है प्रदूषित में वो कानपुर जो है वो भी टॉप 10 की गिनती में आता है। यही पे कानपुर नगर निगम जो है वो स्वच्छता की अभियान की बात करता है, कहाँ किस तरह की स्वच्छता रह गई है। जो इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो लोगों के स्वास्थ्य साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। आपको पता चले कि जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं उनको रहने में, सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। और जो यहाँ का पीने का पानी है उसका जो जल का स्तर है वो इतना गंदा हो चुका है कि लोग यहाँ पानी पी नहीं सकते हैं। और आप बताते चलें जो यहाँ पे कानपुर नगर निगम के जो महापौर हैं, भाजपा की सरकार के जो बड़े बड़े जो वादे नजर आते हैं वो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं कितनी लापरवाही है यहाँ पे। यहाँ पे ना भी अधिकारी भी यहाँ नहीं आता है एक बार झांकने कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ कंप्लेन करी है उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। खबर गोरखपुर से है, जहां एक मॉल में लड़की ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष का बेटा लंदन के स्कॉटलैंड में रहता है और उसने गोरखपुर के गोरखनाथ क्षेत्र के एक लड़की से सगाई की थी। वहीं कुछ महीने बाद युवती को पता लगा कि स्कॉटलैंड में भी युवक ने एक शादी कर रखी है जिसके 2 बच्चे हैं। जब युवक के बारे में पता लगाया तो पता लगा कि जब भी स्कॉटलैंड से इंडिया आता है तो वह किसी न किसी लड़की से एंगेजमेंट करता है, 1 साल 2 साल बाद छोड़कर फिर अगली लड़की से एंगेजमेंट करता है। फिलहाल युवती का कहना है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। ये क्या था कि ये शादी में गिरीश तिवारी ने हमको देखा था, तो मेरी मम्मी के मामा जी ने बताया कि ये लड़की हमारी भांजी की बेटी है, तो फिर गिरीश तिवारी ने जोड़ दिया। तो फिर ये बात आगे होकर के विद इन मतलब 10 डेज में सारा व्यवस्था होकर के मेरा एंगेजमेंट कराया गया।
मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका न्याय मिले। एक बार आकर के सामने लड़का और लड़के के पिताजी आकर के सामने बात करें, मेरी जो भी बात है वो उसको सुने और मुझे इसका न्याय दिया जाए। मैं सजा यही चाहती हूं कि इनका जो भी ये चीज़ है, जो भी इन्होंने नंदन में अपना घर बनाया बसाया, दो बच्चे हैं, उसको ये मतलब सामने कर दें। ये ऐसे करके यहाँ पे इंडिया में लड़कियों के साथ बदतमीजी। एटा जनपद के जलेसर थाना क्षेत्र के जलेसर कस्बे में स्थित विख्यात दरगाह बड़े मियां शनिजात में धार्मिक भावनाओं के नाम पर चलाए जा रहे फर्जी गोरख धंधे में जिला प्रशासन एटा की जांच के बाद 99 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। उपजिलाधिकारी जलेसर द्वारा जांच के बाद जलेसर थाने में इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा जनपद के दशकों से धार्मिक आस्था के नाम पर संगठित गिरोह बनाकर ठगी का खेल खेला जा रहा था। इसके लिए बकायदा 2018 में दरगाह बड़े मियां शनिजात के नाम से रजिस्ट्रेशन भी कराया गया था और एक प्रतिबंध कमेटी बनाकर दरगाह पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं से धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी की जा रही थी। साथ ही विधायक जी, इसमें एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि 99 करोड़ रुपए का इसमें गोलमाल हुआ है, इसमें क्या जानकारी है? ऐसा ना, जब उन्होंने लिख के दिया तो प्रशासन ने उसमें जांच कराई और जांच में उन्होंने 2000 से लेके और 2018 जो कार्यकाल था 18 वर्षों का, 18 वर्षों के कार्यकाल में जो वहाँ से जो पैसा की इनकम हुई वो 99 करोड़ के आसपास हुई। ये सरकार ने शासन ने जाँच हुई। अब क्या कार्रवाई होगी इस संबंध में, जो पैसा गबन हुआ है? नहीं, अब गबन हुआ है तो शासन स्तर से प्रशासन स्तर से कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर पिछले 14 घंटे से जारी SGST टीम की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिले हैं, जिन्हें गिनने के लिए स्टेट बैंक के कई मशीनें मंगाई गई हैं। बैंक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SGST की छापेमारी में कई करोड़ की नकदी गुटखा कारोबारी के आवास में छुपा कर रखा गया था, जिसे गिनने के लिए मशीनें मौके पर कर्मियों के साथ भेजी गई हैं। इस कार्रवाई में कारोबारी में हड़कंप मचा हुआ है। निवारक शाखा कानपुर से, जो सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल GST का एक पार्ट है, तो वहां से हम आए। कल से हमारी ये कार्यवाही चल रही है, अभी जस्ट कंक्लूजन। श्रावस्ती में आज एक मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। गैस का सिलेंडर लीक होने के कारण मकान में आग लग गई। वहीं सूचना के बाद भी दमकल की टीम मौके पर नहीं पहुंचे। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में 4 घर आए। वहीं आगजनी के घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। बता दें कि कोना इलाके के कंजड़वा टावर के पास की घटना है। आगे सिलेंडर लीक था, उसकी वजह से। कौन रहता है यहाँ? किराए पे क्या? झांसी के पानी बतासा वाले। कितने लोग? 4 लोग रहते हैं। फिर क्या नाम है, जब आग लगी 8 बजे लगभग आग लगी और 9:30 बजे रहे हैं इस समय। कोई सुविधा नहीं, फायर ब्रिगेड अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है। तमाम खबर संभल से है, जो दवाई लेने गया एक युवक काफी देर तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने इंतजार देख कर तलाशना शुरू कर दिया। तलाशने के दौरान एक पुराने मकान में युवक का शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें इसके बाद पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई ना हुई है, कोई सुनवाई ना हुई है। अब डीएम साहब ने क्या कह दिया? ऐसा ले जाएगा यहाँ कि हमारी मदद मिले, कि हमारी सुरक्षा मिले, हमारी और भी मर्डर कर सकते हैं जो लोग। एक मर्डर मेरा भतीजे का कर दिया। तो क्या क्या मामला? ये मामला है साहब, इन लोगों ने पहली तो रंजिश चल रही थी इनसे, कई बार हमने मेरे भतीजे ने तहरीर प्रार्थना पत्र थाने में दिया, अपनी बचाने खातर गिन्नौर भी दिया, थाना जुना भी दिया सर, हमें तक जिंदा पर कोई कार्रवाई नहीं करी इनके खिलाफ। हम ये चाहते हैं सर, हमारे लिए हमारे और भी बच्चे नहीं मारे जाएं, हम भी नहीं मारे जाएं। ये लोग हमारे जिम्मे पर हैं कि सबको पूरा नष्ट कर दो, पूरा घर का।
एक यादव साथ दे रहा है, यादव का हाथ है, यादव मरवा रहा है, यादव हमें जिला पे आया रोंद, उसकी बाइक है, यहाँ बाइक पकड़ी हुई है, यहाँ बाइक ठहरी है, उसे बाइक से हमें रोंदा, उसे मारा पीटा। यादव कौन है? यादव ऋषिपाल, पिता का नाम भूरे। सुरक्षा के लिए आए हैं साहब, 10 दिन हो गए भाजते भाजते, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोतवाल सामने इंस्पेक्टर ने पैसे ले लिख के मेरे भाई का मर्डर कर दिया है 23 तारीख को। किन्ने कर दिया? सतीश, ओम प्रकाश, तेज सिंह, सतपाल। तब तक कोई कार्रवाई नहीं? एक ऋषिपाल है, वो कौन सी गाँव के रहने वाले? लड़ोली। अभी तक कोई कार्रवाई? खबर औरैया से है, जहां दिल्ली से हमीरपुर जा रही रोडवेज बस अजीतमल के नेशनल हाईवे के पास खड़े ट्रक के पीछे से रोडवेज में घुस गई। इस हादसे में बस में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घायल की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उसे सफाई रेफर कर दिया है। अजीतमल में हाईवे के पास जुलूपुर के समीप जो है आज सुबह तड़के जो है बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक व्यक्ति जो है गंभीर, इसके देखते हुए सैफई रेफर किया गया है, बाकी अग्रिम। खबर देवरिया से है, जहां जिला अस्पताल में डीएम आशुतोष निरंजन के अचानक पहुंचने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान डीएम ने सभी मरीजों को समय से इलाज के निर्देश दिए और मौजूद रहे सभी चिकित्सक और कर्मचारियों को इलाज के निर्देश दिए और कहा मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने पर अस्पताल को कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिलाधिकारी डीएम द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। वहीं डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने जो भी भर्ती मरीज है उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी सख्त निर्देश दिए, उनके इलाज के लिए भी सख्त निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।